हेलो टीचर्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट डीपीपी नंबर 34, रेडॉक्स रिएक्शन की हमारी फोर्थ नंबर डीपीपी है, जिसमें डबल टाइट्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। हम देखेंगे कि बच्चों के साथ कैसे डिस्कस करना है, वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द NH3 इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ N फ्रॉम द 1.12 ग्राम सैंपल ऑफ प्रोटीन वाज एब्जॉर्ब इन 45 ml ऑफ 0.4 N HNO3 is the excess of acid required 20 ml of 0.1 NH. The percentage of N in the sample is, क्या बोला गया है कि एक प्रोटीन है, उसका सैंपल कितना है 1.12 ग्राम, इसमें से अमोनिया इवॉल्व हो रही है, इसी प्रोटीन से NH3 इवॉल्व हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है किसके थ्रू, HNO3 एब्जॉर्ब बाय HNO3। यहां क्या है, एसिड। इसके बाद में जो एक्सेस ऑफ एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड पड़ी, NaOH का, राइट तो NaOH की रिक्वायरमेंट हुई, उसके नॉर्मलिटी कितनी 0.1, वॉल्यूम इज 20 ml, देन एसिड की जो नॉर्मलिटी है वो कितनी है 0.4 N एंड वॉल्यूम इज 45 ml। NH3 हमें निकालना है कि इसका कितना परसेंटेज इस सैंपल में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर ये वाला ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई होगी, उसके बाद में कुछ एसिड बचा होगा और फिर ये न्यूट्रलाइज हुआ किसके द्वारा, NaOH के, तो हम ये लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस, राइट, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी कि HNO3, तो HNO3 कितना है 0.4 × 45 ml into 10^-3 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इसमें क्या आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NH3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, NaOH का कितना 0.1 × 20 ml, 0.1 × 20 × 10^-3, तो इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू 18 − 2 × 10^-3, देन NH3 इज इक्वल टू 16 × 10^-3 इक्विवेलेंट ऑफ NH3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या है कि नंबर ऑफ मोल, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है 1 है, एक लॉन पेयर है, तो यानी कि वेट अपॉन मोलर मास इज 17, इज 16 × 10^-3, तो जो वेट आएगा नाइट्रोजन का और NH3 का वो कितना आएगा, या फिर डायरेक्ट कर लो नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट जो है NH3 है, ठीक है, तो इसकी जो इतने मोल्स आए तो N के कितने नंबर ऑफ मोल रहे होंगे, यही रहे होंगे, तो मास ऑफ N वो कितना हो जाएगा 16 × 14 × 10^-3, 4, 6, 22 × 10^-3 ग्राम, तो ये आ जाएगा 0.224 ग्राम, यानी कि जो नाइट्रोजन की वेट है वो कितना है 0.224, सैंपल का वेट कितना, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 0.224 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1.12, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20, परसेंटेज निकालना है इनटू 100 इक्वल टू 20%, तो
करेक्ट आंसर इज 20, सी ऑप्शन इज करेक्ट।